आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंड शी किचन में। और आज है मेरे बेटे का बर्थडे, तो आज उसने बोला कि मम्मी मेरे लिए बनाइए वेनिला केक। और बहुत ही जल्दबाजी में हमने बनाया है क्योंकि हमको आज कहीं जाना भी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वेनिला केक की रेसिपी। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं वेनिला केक बनाना। तो बना रहे हैं आज हम वेनिला केक। तो वेनिला केक बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयारी करते हैं केक टिन की। तो ये हमने लिया है केक टिन, और ये हम जो घर का ही हमारा एक बर्तन है उसी में हम केक बनाते हैं, बिल्कुल केक टिन जैसा ही है। इसको हम पहले कर लेंगे थोड़ा सा ग्रीस ऑयल से। तो सबसे पहले हमें यही तैयारी करनी पड़ती है केक की, क्योंकि बैटर बनाने के बाद तुरंत हमें जरूरत पड़ती है केक टिन की। और अब इस पर हम लगा देंगे एक पेपर। तो ये मैंने लिया है एक नॉर्मल पेपर, और ये लिया है मैंने बटर पेपर की जगह। और आपके पास बटर पेपर है आप वो लगा सकते हैं, बटर पेपर नहीं है आप एक नॉर्मल वाइट पेपर लगा दीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए थोड़ा सा ऑयल। तो इससे जो हमारा केक है इजीली आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो बस बन गया ये हमारा बटर पेपर। एक ये तो हो गई हमारी पहली तैयारी, और दूसरी तैयारी है हमारा जो कुकर है उसको हम गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो ये कुकर हमने रख दिया है और इसमें हमने लगा दिया एक छोटा सा स्टैंड। गैस को हमने कर दिया है लो टू मीडियम और इसको होने देते हैं गर्म। तब तक हम तैयार करते हैं हमारा बैटर। तो सबसे पहले हम लेंगे चीनी। तो ये मैंने ली है एक कप चीनी, इसको मैंने पीस लिया है। और एक कप चीनी के बाद हम इसमें लेंगे एक कप दही, ताजा दही है ये। और इसी में हम डाल देंगे आधा कप दूध की मलाई, और ये मैंने लिया है 3/4 कप ऑयल, नॉन फ्लेवर्ड ऑयल लेना है आपको। और अब इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 5 मिनट तक। वैसे जो चीनी है वो आप बिना पीसे भी ले सकते हैं, पीस कर भी ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो। मेरे पास पिसी हुई थी तो मैंने पिसी हुई ले ली है। और अब इसमें हम डालते हैं हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे मैदा। तो ये हमने ली है मैदा। तो ये मैदा है 1 कप + 1/2 कप, यानी कि 1.5 कप मैदा है। और इसको हम छान लेते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये हमने लिया है 1 टीस्पून + 1/2 टीस्पून, यानी कि 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसी के साथ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये गया 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो अब इसको हम कर लेते हैं मिक्स। और इसी के साथ हम डालेंगे वेनिला एसेंस। तो हम बना रहे हैं वेनिला केक, इसलिए वेनिला एसेंस जरूरी है डालना। तो ये हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच, और इसको अब हम करेंगे मिक्स। तो लीजिए हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ज्यादा पतला हमें नहीं करना है इसको, और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं, बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है। और अब इसको हम डाल देते हैं केक टिन में। तो ये हमने इसको डाल दिया है लगभग आधा, और ये बैटर हमारा बच गया है। तो इसको हम एक दूसरे बोल में डालेंगे,
इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा टैप, और अब इसको हम रख देते हैं कुकर में। तो अब इसको हम 30 मिनट के लिए बेक कर लेते हैं, और 30 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे और इसको हम ढक देते हैं, और आंच को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। तो 40 मिनट हमने इसको बेक किया था, और अब हम इसको करते हैं डीमोल्ड। तो इसको हम, हाँ ये तो ऐसे ही निकल गया इजीली, और अब इसका जो पेपर है वो हम हटा देते हैं, और अब इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए, और फिर हम करेंगे इसकी फ्रॉस्टिंग। तो अब हम लेते हैं व्हिपिंग क्रीम। तो ये मैंने ली है फुल एक कटोरी भर के, यानी कि एक कप व्हिपिंग क्रीम। अब इसको हम करेंगे व्हिप, और इसमें हमें कुछ भी नहीं मिक्स करना क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें चीनी है और वनीला फ्लेवर की है ये, तो इसको हमें ऐसे ही व्हिप करना है। तो ये हमने लिया है इलेक्ट्रॉनिक बीटर, और पहले हम इसको बिल्कुल स्लो स्पीड से ही स्टार्ट करेंगे। तो ये क्रीम जो है हमारी अच्छे से व्हिप हो चुकी है, स्टिफ पिक बन गए हैं, और अब हम करते हैं इसको केक पर लगाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम करते हैं केक को दो टुकड़ों में डिवाइड, और अब हम केक के चारों तरफ पहले चाकू से एक निशान लगा लेते हैं, और फिर इसमें हम लगाएंगे एक थ्रेड, और इसको खींचते हुए हम इसके कर लेंगे दो पीसेस। बस ये हो गया तैयार हमारा केक, और अब हम इस पे करेंगे हमारी आइसिंग। तो ये हम पहले लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम, और उस पर हम रख देंगे हमारे केक का एक पीस। और अब ये मैंने लिया है 2-3 चम्मच दूध, उसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चीनी, और इसको हम कर लेते हैं मिक्स, और इससे हमारा जो केक है उसको हम थोड़ा सा मॉइस्ट करेंगे ताकि ये खाने में बहुत अच्छा लगे और सॉफ्ट हो जाए। तो ये मैं दूध से कर रही हूँ, और आप इसको शुगर सिर्फ से, यानी कि सिर्फ पानी और शुगर मिलाकर भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसको अच्छे से मॉइस्ट कर दिया है, और अब हम इस पर लगा देंगे हमारी क्रीम जो हमने तैयार करी है। और अब इस पर हम रख देते हैं ये हमारा सेकंड वाला पीस। तो ये हम इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं क्रीम से, और अब हम थोड़ी थोड़ी क्रीम साइड्स में भी लगा लेते हैं ताकि ये साइड से भी अच्छे से कवर हो जाए। तो अब इसको हम साइड से पूरा प्लेन करते हुए इस तरह से घुमा लेते हैं, और अब हम रखते हैं इस पर हमारा छोटा वाला केक जो कि हमने इसी के साथ में बेक किया था। तो ये मैंने इस पे रख दिया है, और अब इस पर भी हम लगा देते हैं शुगर सिरप। तो जो केक बैटर हमने बनाया था उससे हमने बनाए थे दो केक, एक थोड़ा बड़ा साइज का और एक थोड़ा उससे छोटा साइज का। तो उससे हमने इसको आज इस तरह से डबल मंजिल वाला, यानी कि दो मंजिला केक आज हम बना रहे हैं उससे। तो इस पर मैंने लगा दिया है पीस, और अब इस पर हम रख देते हैं हमारा सेकंड वाला पीस। तो ये गया सेकंड, और इस पर भी हम लगा देंगे शुगर सिरप। तो ये मैंने इस पर क्रीम लगा दी है, पूरा जो केक था हमारा कवर हो चुका है, और अब बची हुई क्रीम को हम भर लेते हैं पाइपिंग बैग में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिजाइन बनाना।
तो ये हम सबसे पहले बना देते हैं इसका बॉर्डर। तो ये बिल्कुल इजी बॉर्डर है जो आप में से कोई भी बना सकता है, जिसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस ना हो वो भी, इसलिए मैं ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। और अब यहाँ पर हम बना देते हैं इस तरह से राउंड राउंड राउंड। और अब हमारे पास बच गई है थोड़ी सी क्रीम, उसमें हम डाल देते हैं हल्का सा येलो कलर और कर देते हैं मिक्स। और अब हम बना देते हैं येलो फ्लावर बीच में। थोड़ी सी क्रीम और बच गई है तो इससे भी हम इसमें थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं। तो लीजिए हमने सारी क्रीम इस पर लगा दी है और अब हमारे पास है कलरफुल जेम्स, तो थोड़े से हम जेम्स भी लगा देते हैं इस पर। तो ये हम रख रहे हैं और ये जो जेम्स है वो ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप लगाना चाहें तो लगा दीजिए वरना रहने दीजिए। ये क्या ग्रीन और ये ब्लू और भी है हमारे पास, तो इनको हम इधर लगा देते हैं। अब हम लगा देते हैं हमारा बर्थडे बॉय का स्टिकर। तो बस तैयार है हमारा केक काटने के लिए, तो चलिए हम कटवाते हैं केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राज, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर।